फॉर्मर सीएम बृंदनांग बुटी दे वर्मा, एमडीसी गणेश दे वर्मा, ब्लॉक प्रेसिडेंट टीडब्ल्यूएफ, ब्लॉक प्रेसिडेंट बिनापानी जिरानिया, लेमन दे वर्मा, ओ पितर क्या कर रहा है? ऐसा करके क्या कर रहा है? हम आपको नोटिस कर रहे हैं पितर भाइयों, और भी हमारा जो TWF है, YTF तिपरा मथा सेंट्रल मेंबर्स, कैंडिडेट सुकुपति दे वर्मा, सबको क्या देख रहे हैं आप? भूभागरा को सुन रहे हैं कि नहीं? हाँ कि नहीं? आज बिना पानी में, बिना पानी के बारे एक चीज हमको बोलना पड़ेगा। जब एडीसी काउंसिल इलेक्शन हम लोग जीता था तो बिना पानी से एक ग्रुप आया कुमलुम में और हमको बोला भूभागरा आप बिना पानी को एडीसी के अंदर करो, हम लोग का संग अन्याय हो रहा है बिना पानी में, हम लोग को भी एडीसी में आना है। उस समय मैंने बोला था कि मैं कोशिश करूंगा, लेकिन जब ये काउंसिल इलेक्शन अनाउंस हुआ म्यूनिसिपल का, तो मैंने अपना TWF, YTF और अपना MPC को बोला कि 70 साल से इस एरिया में कोई अंचुनिक पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ा, 70 साल से अपना तिपरासा तिपराजक लोग को हमेशा CPM, कांग्रेस, BJP, तृणमूल में वोट करना पड़ा। तो 70 साल में पहला बार एक अंचुनिक पार्टी बिना पानी से लड़ रहा है, ये प्रमाण है। ये हमारा कैंडिडेट है, ये नेता नहीं है, ये पॉलिटिशियन नहीं है, ये आपका बहन है, आपका किसी का मां है, किसी का बेटी है। ये नेतागिरी करने नहीं आया है, राजनीति करने नहीं आया है। भूभागरा भी राजनीति करने नहीं आया है, कार्यनीति करने आया है, कार्यनीति करने आया है। यहां में हमारे मुसलमान हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये त्रिपुरा का महाराजा ने आज से 500 साल पहले एक मुसलमान साहबजादे के लिए, शुजा के लिए मस्जिद बनाया, ये त्रिपुरा का महाराजा ने किया। आज भी नुयंगमा में उज्जैनता पैलेस में हफ्ते में 2 बार नमाज पढ़ा जाता है, ये है हमारा कल्चर। हमने कभी जाति का और धर्म में किसी का बंटवारा नहीं किया। आज जो पार्टी आपका दाढ़ी देख के बोलता है पाकिस्तान जाओ, वो एक दिन उनको हम शिकस्त करेंगे, क्योंकि हमारा राजनीति में धर्म का कोई जगह नहीं है। सीए हुआ,
जब सीए हुआ कौन था जमीन में? मैं था। मानिक बाबू कहां था? कांग्रेस पार्टी कहां था जब कोई मुसलमान के ऊपर अटैक करता है तो सबसे पहले मैं आया। इस बार मानिक बाबू चुप था, तृणमूल चुप था, कांग्रेस भी चुप था। क्यों? ये लोग वोट बैंक का पॉलिटिक्स करता है, वोट बैंक का पॉलिटिक्स। लेकिन त्रिपुरा में आज आपके बारे कोई परवाह नहीं करता, तिप्रा साहब बुकुंबारा के बारे कोई परवाह नहीं करता। एक हो जाओ और जो पॉलिटिक्स ये लोग कर रहे हैं जवाब आप भी दे सकते हैं। त्रिपुरा में मुसलमान और तिप्रासा के बीच में आज तक दंगा मन पैसा नहीं है, इतना रन नहीं है हम लोग का पॉकेट में। बुबागरा हो सकता है लेकिन बीजेपी जितना रन नहीं है। सीपीएम 25 साल तक शासन किया, उनका जितना पावर नहीं है। कांग्रेस 70 साल से 60 साल तो दिल्ली में शासन किया, इतना पावर नहीं है। लेकिन तिप्रा मोथा यहां में पूरा 3-4 पार्टी को अपना पावर दिखा सकता है बिना पानी। ये तिप्रा सा है जो हमारा भाषण सुन रहा है, सुन लो। बिना पानी से तिप्रा मोथा जीतेगा। ये सब नेता लोग, ये सब नेता लोग आपका वोट लेता है। अगर तला में थोड़ा आवाज ज्यादा करो भाई, सुना नहीं दे रहा है। बीजेपी का ऑफिस आना चाहिए ये आवाज। हेलो, अरे आवाज सुनाई दे रहा है? ये आवाज बीजेपी का ऑफिस तक जाना चाहिए। दोनों माइक दे, दोनों माइक दे। हेलो, अभी सुनाई दे रहा है? ये जो नेता लोग हैं, आपका वोट लेता है, 70 साल से आपका वोट लिया, यहां बिना पानी में आपको क्या मिला है? नेता लोग के पास आज बंगला है, गाड़ी है, उनका चला, उनका बच्चा लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल जाता है, लेकिन अपना तिप्रा सा लोगों को बोलता है कि बांग्ला मीडियम स्कूल में जाओ। हमको कोकबोरक रोमन स्क्रिप्ट में सुनना पढ़ना है, लेकिन बोलता ना आपने अंग्रेजी एजुकेशन पाबेन ना। ये नेता लोग आपका वोट लेता है, लेकिन अगर तला में बंगला में रहता है और हमारा तिप्रा सा ऐसा ही रहता है यहां। ये नेता लोग 5 साल पहले आपका जैसा यही में रहता था, आज अगर त्रिपुरा में बिना पानी में अगर तला में अम्बासा में तिप्रा मोथा फाइट कर रहा है। और हम लोग जब जाता है ग्राम ग्राम गामी गामी, हेलो खत्म बार बेबा, ये माइक वाला कौन है? बीजेपी का है क्या? भारत माता की जय। या लाल सलम भी हो सकता है। ये जो तिप्रा मोथा आज यहां में है, विजय रंगोल ने बोला हमारा प्रेसिडेंट, हमने कभी नहीं देखा कौन क्रिश्चियन है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन बुद्धिस्ट है। आज त्रिपुरा में ये नेता लोग, ये लोग
काम के बारे बात नहीं करता है, झूठ बोलता है। टिपरा मोथा कभी झूठ नहीं बोलता है। हमने कभी नहीं बोला मिस कॉल करो चाकरी पावा जाबे, हमने कभी नहीं बोला। हमने कभी नहीं बोला रहेगा 340 टका, हमने ये झूठ नहीं बोला। हमने कभी नहीं बोला 7-7 पे कमीशन, ये लोग ने बोला है। और हमने सिर्फ एक बात बोला है, हमने बोला है कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, ग्रेटर तिप्रा लैंड लेकर आएगा। और जितना रुपया बांटना है बांट दो। इंडिया में इतना रुपया का प्रिंटिंग नहीं हुआ है जो प्रौद्योगिकी मान्यता कर सकता है। तिप्रा लैंड तो लेके रहेगा। आज बिना पानी में लग रहा है, अगर तला में लग रहा है, 2023 में गणेश सुन लो, तेलियामुरा में लड़ूंगा, मजलिशपुर में लड़ूंगा, कल्याणपुर में लड़ूंगा, माता बागी धनपुर सुलमा पानी सागर पूरा 30-35 सीट में तिप्रा नेता फाइट करेगा। बहुत लोग बोलेगा आपने जीत बनना, आपने जीत तो पड़े ना। ये लोग बोला था जब मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में रिजाइन किया तो क्या बोला ना, अपनी कांग्रेस से प्रेसिडेंट आचे अपनी रिजाइन कर ले, रेजिग्नेशन दिले अपना आओ। वो एक दिन उनको हम शिकस्त करेंगे, क्योंकि हमारा राजनीति में धर्म का कोई जगह नहीं है। सीए हुआ, जब सीए हुआ कौन था जमीन में, मैं था। मानिक बाबू कहां था, कांग्रेस पार्टी कहां था जब कोई मुसलमान के ऊपर अटैक करता है तो सबसे पहले मैं आया। इस बार मानिक बाबू चुप था, तृणमूल चुप था, कांग्रेस भी चुप था। क्यों? ये लोग वोट बैंक का पॉलिटिक्स करता है, वोट बैंक का पॉलिटिक्स। लेकिन त्रिपुरा में आज आपके बारे कोई परवाह नहीं करता, तिप्रा साहब बुकुंबारा के बारे कोई परवाह नहीं करता। एक हो जाओ। और जो पॉलिटिक्स ये लोग कर रहे हैं, जवाब आप भी दे सकते हैं। त्रिपुरा में मुसलमान और तिप्रासा के बीच में आज तक दंगा नहीं हुआ है, ये हमारा इतिहास है। हम लोग का तिप्रासा लोग, आपको चीनी हाथ चीनी शासन चाहिए कि नहीं, ग्रेटर तिप्रालैंड चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको गारंटी मैं देता हूं, 1977 में नागेंद्र बाबू, रवि मोहन चमकिया, हरिनाथ देव वर्मा, द्रव कुमार रियांग, ट्यूजेस ने कोई भी नेशनल पार्टी के संग जोट नहीं किया, अकेला लड़ा ट्यूजेस 1977 में। और क्योंकि अकेला लड़ा तो ट्यूजेस को एडीसी 1983 में मिला, क्योंकि जोट नहीं किया था। 2023 में तिप्रा मोथा जोट नहीं करेगा कोई भी नेशनल पार्टी के साथ। और जब तिप्रा मोथा पावर में आएगा 20 से 25 सीट लेकर, हम लोग ग्रेटर तिप्रा लैंड का दावी रखेगा। ये पद हमारा 6-6 तिप्रा साहब को गोली मारा गया सीएबी के तहत, यहां में सीआरपीएफ ने गोली मारा था, पुलिस से टीएसआर ने। तो किसी ने पूछा वो देवबर्मा था, जमतिया था, काइपेंग था, मोलसोम था, रांगखोल था, ब्लू था? नहीं,
बुकुम्बारा देख के मारा हम लोग को। इसके लिए दुबागरा आपको बोल रहा है, ये थानसा रखो, थानसा औंधी, एक साल बाकी है, सिर्फ एक साल। 70 साल से अत्याचार हुआ है, 70 साल से, एक साल बाकी है, सिर्फ एक साल। अगर हमने थानसा रखा सिर्फ एक साल, तो आपको आपका सपना तिपरालैंड, ग्रेटर तिपरालैंड मिल सकता है। ये लोग लॉलीपॉप देगा, लॉलीपॉप। नेक्स्ट मुख्यमंत्री तिपरा शाह हो गए, ये लॉलीपॉप है। नेक्स्ट मुख्यमंत्री तिपरा शाह हो गए, यही लॉलीपॉप मेरा पिताजी को दिया। अपनी एमपी हो गए, मां को दिया, एमपी हो जा दशरथ देव वर्मा, दशरथ को बोला नेक्स्ट मुख्यमंत्री दशरथ हो बे। हमको आज लॉलीपॉप दे रहा है, अपनी हमार संग जोट करें, अपनी एमपी हो जाए, अपनी मंत्री हो जाए। प्रद्युत मानिक को मंत्री एमपी बना के तिपरासा को कुछ नहीं मिलेगा। हम अपना लिए, अपना फायदा के लिए, अपना स्वार्थ के लिए अपना तिपरासा को नहीं बेचेगा। मुझे ना मुख्यमंत्री बनना है, ना एमपी बनना है, ना एमएलए, ना मंत्री, मुझे सिर्फ ग्रेटर तिपरा लैंड चाहिए। उस ग्रेटर तिपरा लैंड में बिना पानी भी होना चाहिए। आप लोग सोच लो, 25 तारीख को वोटिंग के बाद वर्डिक्ट आएगा। हम लोग का सिंबल क्या है? अनारस। कोई बोलता है चाइना का है, कोई बोलता है पश्चिम बंगाल का है, कोई बोलता है दिल्ली। लोग सोच लो, 25 तारीख को वोटिंग के बाद वर्डिक्ट आएगा। हम लोग का सिंबल क्या है? अनारस। कोई बोलता है चाइना का है, कोई बोलता है पश्चिम बंगाल का है, कोई बोलता है दिल्ली का अनारस है। हम आपको बोल रहा है तिपरा मोथा का अनारस 100% तिपरा सा अनारस है। छोटा है लेकिन मीठा है, छोटा है लेकिन बुकुम्बारा का अनारस है। आप लोग वोट करेगा कि नहीं? हाँ तो जाओ। मियां साहब सलाम अलैकुम, आप वोट करेंगे कि नहीं? करेंगे कि नहीं? हाँ, धन्यवाद, शुक्रिया। 25 तारीख को एक मैसेज पूरा इस एरिया में जाना चाहिए कि एक अंचलिक पार्टी भी म्युनिसिपल इलेक्शन जीत सकता है। एक मैसेज जाना चाहिए। यहां में हमारा बुरी बदल है। हम आपको अनुरोध करता है कि हमारा ग्रेटर तिपरालैंड में हम लोग का जितना भी यहां में बोरक है, हम लोग का जितना भी सिकला है, हम लोग का बुरुई लोगों का, हम लोग का बुमा लोगों को इज्जत करो। अगर बुरुई बुमा को आगे नहीं रखा तो कोई भी दफा आगे नहीं चलेगा। इज्जत करो। इज्जत का ये मतलब नहीं होता है कि सिर्फ घर में बैठ के रिंग नहीं बनाए। इनको शिक्षा चाहिए, इनको चाकरी चाहिए, इनका मदद इज्जत इज्जत करना सीखो हमारा बुरुई बुमा लोगों का। हम लोग का सेकला YTF, आप लोग को डराने के लिए बहुत लीडर लोग आएगा, पैसा बांटेगा आपको, वो रंग बांटेगा आपको। इलेक्शन के पहले हमारे वोट करें, रंग बांटेगा।
वो पैसा जो बांटेगा ना, आप रख लो, रख लो। वो पैसा उनका मां बाप का नहीं है, वो आपका पैसा है, रखो। सच में वो पैसा से थोड़ा सा गुदोक खाओ, मस्तिंग खाओ, भांगो। जय वर्मा द्रव कुमार रेयांग ट्यूजेस ने कोई भी नेशनल पार्टी के संग जोट नहीं किया, अकेला लड़ा ट्यूजेस 1977 में। और क्योंकि अकेला लड़ा तो ट्यूजेस को एडीसी 1983 में मिला, क्योंकि जोट नहीं किया था। 2023 में टिप्रा मोथा जोट नहीं करेगा कोई भी नेशनल पार्टी के साथ। और जब टिप्रा मोथा पावर में आएगा 20 से 25 सीट लेकर, हम लोग ग्रेटेस्ट टिप्रा लैंड का दावी रखेगा। ये पद, ये पोस्ट, ये वीआईपी कल्चर पूरा जिंदगी आपके साथ नहीं रहेगा, लेकिन ये हवा आपका है, ये जमीन आपका है। और ये जमीन के लिए बुबाग्रह आपको सिर्फ एक अनुरोध करता है, एक साल बाकी है, ये लोग हम लोग का थानसा तोड़ने का कोशिश करेगा। बहुत जगह में बोलेगा जमतिया देव वर्मा रियांग चौबे कलोय मौसम त्रिपुरा चाकमा मग काइपेन, ऐसा करके हम लोग का थानसा तोड़ता है। आप लोग सोचो जब विश्वजीत देव वर्मा को मारा गया, जब पिंडूलाल चाकमा को मारा गया, जब मंत्री लाल काइपेन को मारा गया, जब यहां में हमारा छह टिप्रा साहब को गोली मारा गया सीएबी के तहत, यहां में सीआरपीएफ ने गोली मारा था, पुलिस टीएसआर ने, तो किसी ने पूछा वो देव वर्मा था, जमतिया था, काइपेन था, मोलसोम था, रांगखोल था, ब्लू था? नहीं, बुकुंबारा देख के मारा हम लोग को। इसके लिए बुबाग्रह आपको बोल रहा है, ये थानसा रखो, थानसा औंधी, एक साल बाकी है, सिर्फ एक साल। 70 साल से अत्याचार हुआ है, 70 साल से, एक साल बाकी है, सिर्फ एक साल। अगर हमने थानसा रखा सिर्फ एक साल, तो आपको सच में वो पैसा से थोड़ा सा गुदोक खाओ, मस्तिंग खाओ, भांगोई खाओ, बच्चा को स्कूल में भेजो, वो पैसा रखो। जब वो आएगा पैसा देने, ना मत बोलो, लो, वो आपका पैसा है। ये जो पैसा वो लोग अपना पॉकेट से नहीं दे रहा है, आपका पैसा है, कॉन्ट्रैक्टर से खाके, बिजनेसमैन से रुपया खाके आपको बांट रहा है, वो सब इकट्ठा करके आपका पैसा है, लो। लेकिन जब वोटिंग होगा तो वोट कौन से को करना है? टिप्रा मोथा का नरस को करना है। रंग लो, रंग रखो, वोटिंग हमारा कैंडिडेट को करो। और 25 तारीख को रिजल्ट आने के बाद बुबाग्रह बिना पानी फिर से आएगा। और मैं आपको बोल रहा हूं, अगर हम बिना पानी जीत गए ना, तो ये पूरा एरिया में हम लोग एमएलए कैंडिडेट भी देगा। बेलाय बेलाय में हम आए, सब लोग खड़ा होके एक बार मेरे साथ बोलो, टिप्रा सा आई क्लॉक थम, ठीक है? टिप्रा सा, टिप्रा सा। अच्छा, पहले कॉन्टेस्ट करना पड़ेगा, सिर्फ गुरु ही बोलेगा, उसके बाद बरोक लोग बोलेगा, ठीक है? सिर्फ गुरु ही,
लगे बुरे यार थोड़ा पावर करेंगे अब हम लोग का बोरक लोग प्रेशर में अभी बोरक लोग सिर्फ हाँ सिर्फ बोरक लोग बुरे नहीं बोलेगा आपका तो मुच्छी नहीं है सिर्फ बोरक लोग अब दोनों मिला के खंसा होके इतना जोर से बोलो कि वहां का जो ऑफिस है वो भी सुन ले ठीक है तीन बार जोर से